कैसे हैं आप लोग? कैसी प्रिपरेशन चल रही है? जो पिछले क्लास में आपसे काफी कुछ बात हुई थी, आशा है कि वो तैयार हो गया होगा। अभी इस क्लास के बाद जो टेस्ट होगा तो उसमें पता भी चलेगा। ठीक है, जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है आपका क्लास प्रोग्राम, जिसमें पहले से इंडिकेट कर दिया गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भौमिक समय सारणी, तो जो तथ्य यहाँ पर आपको दिया गया है, जो टॉपिक है, ये यूनिवर्सल, कहने का तात्पर्य हुआ किसी भी वर्ग के विद्यार्थी के लिए जरूरी है, जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या वो नॉलेज भी रखना चाहते हैं अपने विषय में। इसके अंतर्गत बेसिकली होगा क्या, एक तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास, कि भूगर्भिक घटनाएं कैसे किस प्रकार से हुई, जो जनरली जियोलॉजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत कंसीडर की जाती है, और उस परिवर्तन के बाद जो भूगर्भिक इतिहास के दौरान भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुए, और उसके बाद जो जैविक विकास की प्रक्रिया चली, यानी एक प्रक्रम चला कि किस प्रकार से जो अजैविक तत्व हमारे पास थे, एलिमेंट्स, उनके कॉम्बिनेशन से किस प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं हुई और जीवों के विकास का क्रम चला, और जो क्रम चला कब से चला वो इंडिकेट भी आपको मैं करूंगा यहाँ पर, अरबों वर्ष तक, यानी अरबों वर्ष लग गया हमें एक क्रम को देख करने का, मतलब कि जो क्रम चलता गया जैव विकास का। जैव विकास से तात्पर्य है कि प्राचीन काल के, कहने का मतलब प्राचीन काल के जो सूक्ष्म जीव थे, धीरे धीरे कैसे क्रमशः एक के बाद एक जो विकास का उनका क्रम चला, धीरे धीरे वो एक कोशिकीय साधारण जीव, धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए, फिर कशेरुकी जीव आए और धीरे धीरे विकसित होते होते स्तनधारियों का स्वरूप ले लिया और उसमें भी मानव का विकास हुआ। कहने का मतलब एक तरह से हम धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों से लेकर मानव के विकास के क्रम का भी अध्ययन करेंगे। अब इस पूरे क्रम को जो जियोलॉजिस्टों ने नाम दे दिया, तो ये भूगर्भिक इतिहास है, किसका? पृथ्वी का। लेकिन जहां इसको इंडिकेट किया गया उसको नाम दिया गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब देखो, इसके अंतर्गत जो हमें अध्ययन करना है, ध्यान रखना, एक सामान्य परिचय आपको हम देंगे अभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम तीन बिंदुओं को निर्धारित करेंगे। पहला कि पूरे भूगर्भिक इतिहास के दौरान कब कब बड़ी भू हलचलें हुई, जिसको जियोलॉजी और भूगोल के अंतर्गत हम हलचल कहते हैं, और सामान्यतः क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओरोजिनेसिस, फर्स्ट ओरोजिनेसिस, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी प्रथम पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कब संपादित हुई, द्वितीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कब संपादित हुई, तृतीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कब संपादित हुई, और चतुर्थ। इसके साथ साथ इनके टाइम पीरियड, जिसका हम आगे नामकरण करेंगे, और कब कब कौन से जंतु आए, तो इनको हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। और अंत में आप जाकर देखोगे कि आज से लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व प्लिस्टोसीन एज से मानव के विकास के क्रम का जो प्रभाव चल रहा था, प्रवाह चल रहा था, उसमें तीव्रता आई। लेकिन ये विकास का क्रम कैसे चलता है, इस सब पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ डायरेक्ट हम ले रहे हैं कि जो जियोलॉजिस्टों ने, यानी भूगर्भ शास्त्रियों ने हमें बताया कि जिस ग्रह के ऊपर हम रह रहे हैं पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति 4.6 बिलियन ईयर एगो, कहने का मतलब लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई, और जो हमें सूचना प्राप्त है कि यह पृथ्वी आरंभिक अवस्था में गैसीय स्वरूप में थी। कहने का मतलब गैसीय स्वरूप में उत्पत्ति कब हुई, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। लगभग ये गैसीय गोला थी, ध्यान
धीरे धीरे शीतलन संकुचन की प्रक्रिया से गुजरी। इस पर कौन सी प्रक्रिया हुई? अगर वस्तु गर्म है तो धीरे धीरे क्या हो गई, जैसे शीतल होती है इसका शीतलन हुआ, शीतलन मतलब कूलिंग, और फिर संकुचन की प्रक्रिया से गुजरती गई। और इसमें कुछ मौलिक तत्व थे, उन्हीं मौलिक तत्वों से सारा पृथ्वी या जहां भी आप देख रहे हो, मौलिक तत्व सामान्यतः ये माने जाते हैं। आरंभिक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में हमने देखा था और देखेंगे, जिनका बाकी है यानी जो टॉपिक छूट गई है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको अलग से भौगोलिक परिपेक्ष में लेंगे तो वहां बताएंगे। अभी आप ध्यान में रखो कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बाद जब विकास का क्रम चला तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ही कुछ तत्वों की उत्पत्ति हो गई, जिसको प्राकृतिक तत्व कहा जाता है और वैज्ञानिकों के अनुसार वो 92 हैं। कितने तत्व है प्राकृतिक फंडामेंटल? 92, जिससे फिर बाद में कई तत्व बने, खोज किए गए जो 117-18 बताते हैं। तो ये सारे तत्व ही आपस में मिलते चले गए भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, अनेक प्रकार के खनिजों का निर्माण हुआ। और वर्तमान में अगर भूगर्भिक अध्ययन देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी में लगभग 2000 खनिजों की उपस्थिति है। तो ये शीतलन संकुचन की प्रक्रिया से गुजरती गई और इन तत्वों का खनिज के रूप में परिवर्तन हुआ, फिर संकेंद्रण हुआ। और यहाँ वेरी शॉर्ट एकदम सूक्ष्म स्तर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पृथ्वी की आंतरिक लेयर बनी, सॉरी आंतरिक भाग बना, जिसको हम कोर कहते हैं आंतरिक, उसके ऊपर बाह्य कोर, उसके ऊपर ये मेंटल बना, और मेंटल के ऊपर एक सॉलिड जो है अपनी भूपरपटी बनी, क्रस्ट जिसे कहते हैं। अब देखो ये संरचना बनी तो भूवैज्ञानिकों का मानना है कि 4.6 अरब वर्ष तो पृथ्वी गैसी स्वरूप में उत्पन्न हुई, लेकिन शीतलन संकुचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये इसका निर्माण हुआ। लेकिन इस प्रक्रिया में जो वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 0.6 अरब वर्ष लगा। कितना? 0.6 अरब वर्ष का समय लगा, अगर अर्थात 60 करोड़ वर्ष, तो 60 करोड़ वर्ष के उपरांत ये पृथ्वी इस स्वरूप को प्राप्त कर ली। और वर्तमान में भी इस पृथ्वी के आंतरिक भाग का अगर तापमान देखा जाए तो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड है, 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम बिंदु का, बाहरी भाग का लगभग। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको करवाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 4300 से 4400 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मानो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही गर्म है तो गर्म वस्तु से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो पहले क्या थी? गैसीय अवस्था में थी, तो ऊष्मा का जब उत्सर्जन हो रहा था तो आराम से ऊष्मा क्या हो गई? लिबरेट हो गई। जैसे यहाँ पर अगर कोई दीवार न हो तो ऊष्मा आराम से जाएगी, जैसा सूर्यातप आएगा सूर्यातप जाएगा, उस तरह से प्रक्रिया होगी। लेकिन दीवारों से जब हमने आवरण कर लिया तो इसमें से ऊष्मा नहीं निकलेगी, अवरुद्ध हो जाएगी, तो धीरे धीरे हमें क्या होती है? हीट महसूस होती है, गर्मी। तो हम क्या करते हैं? खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। उसी तरह से आप समझो कि जब यहां से ऊष्मा का उत्सर्जन शुरू हुआ और लगातार ऊष्मा उत्सर्जित होगी होती रही, लेकिन एक लिमिट नियत समय के बाद जब ऊष्मा का एकत्रीकरण यहां हो गया तो विस्फोटों का दौर शुरू हुआ। भूगर्भिक ऊर्जा क्या होने लगी? उत्सर्जित होने लगी। और इस भूगर्भिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति पृथ्वी दो प्रक्रियाओं के माध्यम से सामान्यतः करती है, भूकंप और ज्वालामुखी। उससे अभिव्यक्ति यानी भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं संपादित हुई और बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलने लगी। और ये ऊष्मा जब बाहरी वायुमंडल में गई सतह से ऊपर तो परिवर्तनशीलता का दौर शुरू हो गया। अब जहां से ये परिवर्तनशीलता का दौर शुरू हुआ तो ये परिवर्तनशीलता बाहरी वातावरण में दो रूपों में हमें दिखाई दी, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और जैविक परिवर्तन। तो जो एक प्रक्रिया शुरू हुई, भूवैज्ञानिकों ने या वैज्ञानिकों ने बोला कि ये जैविक, सॉरी भौतिक रासायनिक जैविक महाक्रांति है।
तो हमें इसके अंतर्गत भौमिक समय सारणी के अंतर्गत ये 0.6 अरब वर्ष को हम क्या करेंगे, उसमें से डिटेक्ट कर देंगे, 4 अरब वर्ष के इतिहास को हम देखेंगे। तो 4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, आज तक क्या हुआ, कैसे कैसे घटनाएं घटी, तो इन घटनाओं को हम क्या करते हैं, एक सारणी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं जो भूवैज्ञानिकों ने दिया, और उसी को हम नाम दे देते हैं भौमिक समय सारणी। अब सामान्य रूप से इसको देखना, हालांकि कई नाम आपके पास आएंगे, जो भी नाम आएंगे ये इंग्लिश में होंगे, जो यूरोपियंस के द्वारा दिए गए, जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी या तो यूरोप के किसी स्थल का है अधिकतर, या तो किसी जनजाति के नाम पर है, तो नाम इंग्लिश में ही आएंगे, उसको चाहे तो देवनागरी लिपि में आप लिख लेना, लेकिन इसको आपको समझना है। अब देखो, जैसे कहा गया कि पूरा जो काल है संपूर्ण, इसको एक टर्म दिया गया, 4 अरब वर्ष से हम लेंगे और कहां तक, आज तक, आज तक आएंगे। तो कहा गया कि ये एक योन चलेगा, इसको नाम ले लिया गया कि ये संपूर्ण जो काल होगा इसको नाम दिया गया यो। सामान्यतः कई पुस्तकों में कई कुछ दिया है, लेकिन आप सामान्य उसे मानकर चलो, ये कंपटीशन है, हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, मूल रूप से इसको समझना है। योन को डिवाइड किया गया इरा में, किसमें डिवाइड करेंगे, इरा, यानी इसको हिंदी में हम बोलेंगे महाकल्प। क्या बोलेंगे, महाकल्प। महाकल्प, पुनः इसको डिवाइड कर देंगे कल्प में, पीरियड्स, कल्प। और कई किताबों में कल्प से पहले इपोक दिया है, लेकिन वो लॉजिक नहीं बैठता है। अगर भूगर्भ शास्त्र की किताब आप देखेंगे तो उसमें जो मैं बता रहा हूं वो लिखा गया है, या एनसीईआरटी में भी, तो ये आप मानकर चलोगे। और पीरियड डिवाइड होंगे इपोच या इपोक, जिसको हम बोलेंगे युग। अब ये क्रम सामान्यतः, सामान्य रूप से आपको देखना है इरा, पीरियड एंड इपो, महाकल्प, कल्प और युग। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक एक बिंदु को इस बोर्ड पर ही हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, लिखेंगे, आप समझते चलेंगे और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया चलती रही, ये स्थिति आ गई, फिर यहां से जो परिवर्तन हुआ उसको हम इन महाकल्पों कल्प और युग के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। इसका आधार होगा जो भूगर्भ शास्त्रियों ने हमें प्रोवाइड कराया। क्लियर, अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं। अब सवाल है कि कितने इसमें वर्ग में हम इसको लेंगे, तो सबसे पहले हम महाकल्प लेते हैं। तो इसमें देखो सामान्यतः क्या देखा गया, कि जो पहले वर्गीकरण किया गया उसमें छोटे छोटे कई शब्दावलियों का उपयोग कर दिया गया, यानी महाकल्प, लेकिन फिर बाद में इसको संशोधित किया गया। क्या किया गया, संशोधित किया गया। तो इनको हम क्या करेंगे, जो महाकल्प है उनको पहले मैं आपको बता दूं, और उसके अंदर जो डिवीजन हुआ कल्प का और युग का। तो जो पहला महाकल्प है प्री कैम्ब्रियन, क्या है, प्री कैम्ब्रियन इरा, प्री कैम्ब्रियन इरा। दूसरा जो है, जो दूसरा है उसका नाम हम देंगे पैलियोजोइक इरा, तीसरा का नाम हम देंगे मेसोजोइक इरा।
क्या नाम देंगे? मेसोजोइक। और चौथा का नाम देंगे हम सेनोजोइक। केनोजोइक भी बोल देते हिंदी में, सेनोजोइक एरा। अब देखो सेनोजोइक एरा को जब हम डिवाइड करते हैं पीरियड में टर्शरी और क्वार्टनरी, तो बहुत से पुस्तकों में जो क्वार्टनरी पीरियड है उसको नियोजोइक नाम दे दिया गया। तो जब डिटेल लेंगे उसका डिटेल्स आपको बताएंगे, नियोजोइक। अब देखो जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ी सी बात आपसे करेंगे। पहले तो कई एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं बहुविकल्पी, उनमें इनका क्रम पूछ देता है, पहले कौन आया उसके बाद एक रिपीटल ऑर्डर, तो पहले दिमाग में ये रखोगे सिंपल। इसके साथ साथ जो प्री कैम्ब्रियन ईरा है यहाँ पर एक पीरियड हुआ करता है जिसका नाम है कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन से पूर्व के काल को प्री कैम्ब्रियन नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? प्री कैम्ब्रियन। लेकिन इससे पहले दो ईरा थे जिनको मिलाया गया। इसमें पहला जो एरा था, कई जगह आर्कियन दिया है, लेकिन पहला एरा जो था एजोइक था, एजोइक इजेट है। एजोइक का मतलब होता है विदाउट लाइफ, जब पृथ्वी पर जीवन नहीं आया था। दूसरे को नाम दिया गया था नंबर ए, क्या है? एजोइक। नंबर टू यानी बी है प्रोटेरियोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, जब प्रारंभिक जीवन आया था। तो इनमें बहुत बहुत परिवर्तन नहीं देखा गया बहुत खास। तो दोनों एरा को मिलाकर यानी दोनों ही को मिलाकर एक नए एरा का संशोधित नाम दिया गया जिसका नाम क्या हुआ? प्री कैम्ब्रियन। और ये एरा कब तक चला? तो कहा गया कि हमारे पास टाइम कितना है, 4 बिलियन, 4 अरब वर्ष। उसमें से लगभग 3.41 बिलियन ईयर्स तक यही चलता रहा, यानी 3.4 अरब वर्ष तक इस ईरा का कार्यकाल था, टाइम पीरियड था, यानी आज से लगभग यह 59 करोड़ वर्ष तक जारी था। ध्यान रखें लगभग में लेना। कई पुस्तकों में समय का अंतर होगा, लेकिन ये आप इस पर ही विश्वास करना, ठीक। अब इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो परिवर्तन होगा डिटेल अलग सारणी से हम चर्चा करेंगे, ठीक। अभी ना नोट ना करो, अभी बाद में कर लेना, अभी ध्यान दिए। दूसरा जो ईरा है पैलियोजोइक, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखे गए, और इसका जो टाइम पीरियड बताया गया ये लगभग 34.2 करोड़ ईयर्स तक ये चला। 34.2 करोड़ ईयर्स, कितना? 34.2 करोड़ ईयर्स। करोड़ कितने में से? 59 में से। 59 ईयर्स में से हम क्या करेंगे, करोड़ ईयर्स में से 34.2 करोड़ ईयर्स को डिडक्ट कर देंगे, लगभग 24-25 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये जारी था। लेकिन इस एरा में काफी परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तनशीलता को देखते हुए इसे भूवैज्ञानिकों ने 6 कल्प में विभाजित कर दिया। किसमें? 6 कल्प में। और कल्पों का नाम हम नीचे से ऊपर ले चलेंगे, ठीक। कल्प नंबर 1 था, नंबर 1 कैम्ब्रियन। क्या नाम देंगे? अभी डिटेल बाद में ले लेंगे, कैम्ब्रियन पीरियड। उसके बाद ऑर्डोविशियन, VCN, ठीक, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, क्या लेंगे इसके बाद? डिवोनियन। इनकी सबकी विशेषता भी डिटेल लेंगे, फिर लेंगे कार्बोनी फेरस, हाँ नोट कर लो कार्बोनी फेरस, और नेक्स्ट इज द परमियन।
तो इनका भी कर्म कई बार पूछ दिया गया कि एक क्रोपिटल लाइनर बताओ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, याद करने के लिए एक फार्मूला हमारे तरफ से अक्सर मैं स्टूडेंट से बोलता हूं, कास डी सी पी। काश मैं भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता, महज आपको याद करने से लिए। ऐसा नहीं, देखो कितने के चेहरे पर हंसी आ गई कि मैं भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता बिना तैयारी किए, ऐसा कुछ भी नहीं। याद करने के लिए कॉस डी सी पी, सी फॉर कैम्बियन, ओ फॉर ऑर्डोविशियन, सी फॉर सिलूरियन, डी फॉर डिओनियन, सी फिर क्या हो गया, कार्बोनिफेरस और परमियन। याद करने के लिए कभी एक क्रोपिटल ऑर्डर पूछ दे तो नंबर वन पर ये, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, ठीक। तो ये बंटवारा हम करेंगे, फिर इसके बाद हम इधर आते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड बताया गया लगभग 18.3 करोड़ ईयर्स, और इसको भी हम पीरियड में डिवाइड करेंगे जो भूवैज्ञानिकों ने बताया, और यहां पर जो पीरियड होंगे वो तीन होंगे। पहला होगा ट्रियासिक, क्या लिखेंगे, ट्रायसिक या ट्रियासिक, और इसका नाम तो खूब आप जानते हो, कई फिल्में आ गई, जुरासिक, और ये हो गया क्रीटेसियस, ठीक। अब पुनः इसको हम डिवाइड करेंगे, दो पीरियड हम लेंगे, थोड़ा जगह की शॉर्टकट है, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं वैसे, या इसको ऐसे इसी क्रम में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से जो पहला होगा ये मैंने ले लिया टर्सरी, टर्सियरी, इसको हिंदी में तृतीय काल भी कह सकते हो, और चौथ दूसरा जो होगा वो होगा क्वार्टरनरी, ठीक, चतुर्थ काल। अब ये पीरियड्स हैं, इनको पहली बार इपोक में डिवाइड किया गया, बोले तो युग में या इपोच में, और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव इपोक्स आएंगे और इसमें आएंगे दो, तो इनका नाम सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं। इसका टाइम पीरियड ये 6.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ, 6.5 करोड़ ईयर्स पहले शुरू हुआ और आज तक जारी है, लेकिन कई जगह अब देखा गया कि संशोधन के तहत जो ये क्वार्टनरी पीरियड है इसको नए एक इरा का नाम दिया गया, नियोजोइक इरा, ठीक। अब इसमें जो हमारे पास इपोक्स हैं दिख रहा है आप लोग, देख लो, अभी बताएंगे डिटेल, अभी ले लेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। पहला आएगा पैलियोसी, दूसरा आएगा ईओसीन, फिर ओलिगोसीन, ओलिगोसीन ध्यान रखो, ये ओलिगोसीन, पुनः मायोसीन, और इसके बाद प्लियोसीन। इनकी डिटेल सभी लेंगे एक एक करके कि कब कौन सा जंतु आया, क्या विकास हुआ, पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं कैसे होती है, ये अभी इसको समझे। इसके बाद इसमें जो आएगा नियोजोइक या क्वार्टनरी पीरियड में, ये जो टर्म आया था प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन या आइस एज, जिसको नाम किया दिया जाएगा आइस एज, और लास्ट में आएगा आधुनिक जिसको हम नाम देंगे होलोसीन। प्लिस्टोसीन क्या है, आइस एज, इसका ही संदर्भ हमने लिया था उस दिन, और मुझे लगा था कि ये पहले समझना आपको जरूरी है। तो ये एक वर्गीकरण है आपके पास जिसमें एक एक करके हम आगे अध्ययन करेंगे, प्री कैम्ब्रियन इरा, पैलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, सेनोजोइक, इनका डिवीजन किया गया, यहाँ कोई डिवीजन नहीं बल्कि दो एरा को मिलाया गया,
एडोइक प्रोटेरियोजोइक। एजोइक मतलब विदाउट लाइफ, अभी बात होगी, प्रोटेरियोजोइक तो प्री कैम्ब्रियन। इनको सिक्स पीरियड में हमने लिया, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। जुरैसिक फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी सब कैटेगरीज, ट्रियासिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। एंड सीनोजोइक आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, क्वार्टनरी एंड टर्सरी। टर्सरी इज फर्स्ट एंड आल्सो टर्सरी डिवाइड इनटू फाइव इपोक्स, यानी इपोच या इपोक बोले युग, पैलियोसीन, ईओसीन, ऑलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन एंड देन प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। इनका भी क्रम पूछा गया। तो इस तरह से एक हमारे पास वर्गीकरण आ गया कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। अब हम क्या करेंगे कि पहले प्री कैम्ब्रियन को लेंगे, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और जो बोर्ड पर लिख दिया जाए या यहाँ जो आपके सामने, मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस यहीं से आए हैं और ये बेसिकली ज्योग्राफी वाले के लिए भी यूजफुल है, हिस्ट्री वाले के लिए भी है, जियोलॉजी वाले के लिए है और मानव होने के नाते सबको जरूरी है कि हमारा और आपका विकास कैसे हुआ, इसके स्वरूप को तो जाने कि भूगर्भ वैज्ञानिकों ने या वैज्ञानिकों ने क्या अब तक बताया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे प्री कैम्ब्रियन ईरा। क्या लेंगे? प्री कैम्ब्रियन ईरा। इरेज कर दें अब, ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो प्री कैम्ब्रियन ईरा हमने ले लिया, डिटेल्स लेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा, टाइम पीरियड 3.41 बिलियन ईयर्स। समझ जाएंगे, ये पहले हो गया। और पहले बताया था कि दो जो महाकल पूर्व में दिए गए थे, एजोई कई कई आर्कियोजोई या प्रोटेरियोजोई, दोनों को मिलाकर इसको हमने एक नाम। अब सबसे पहले हुआ क्या है? तो जैसे कहा कि पृथ्वी गैस का गोला थी, जब तक गैसी अवस्था में था इंटरनल एनर्जी या हीट का लिबरेशन हो रहा था, इमिशन हो रहा था इजिली, जैसे शीतलन और संकुचन की प्रक्रिया हुई, बाहर एक आवरण आ गया क्रस्ट के रूप में, तो आंतरिक ऊर्जा या उष्मा रुकने लगी, तो एक लिमिट के समय विस्फोटों का दौर शुरू हुआ। और वह दौर किस रूप में संपादित हुआ? ज्वालामुखी भूकंप के रूप में। तो जो गैसें उत्सर्जित हुई और जो प्रक्रियाएं वायुमंडल की बदली, तो उस तरह से अनेक भौतिक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिला। धीरे धीरे जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन था, जैविक महाक्रांति, लेकिन जो विस्फोट का दौर चल रहा था तो भू हलचलें बढ़ी और इसी काल के दौरान पहली पर्वत निर्माण प्रक्रिया का प्रमाण भू वैज्ञानिकों ने दिया, जिसको नाम दिया गया प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनेसिस। क्या नाम देंगे? प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनेसिस। प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण की अवस्था, या इसको प्री कैम्ब्रियन हलचल या प्रथम पर्वत निर्माण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, फर्स्ट ओरोजेनेसिस। इसको अलग अलग नाम भी दिया जाता है, अलगोमन, अभी नाम बताएंगे, अलगोमन क्यों नाम दिया गया बताएंगे, अलगोमन या चर्नियन ओरोजेनेसिस, अलगोमन हलचल या चर्नियन हलचल के नाम से भी इसको जानते। कैफ है प्रथम पर्वत निर्माण प्रक्रिया, प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण प्रक्रिया, अलगोमन पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, चर्नियन पर्वत निर्माण प्रक्रिया। अलगोम प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनेसिस, अलगोमन ओरोजेनेसिस एंड चर्नियन ओरोजेनेसिस। अब देखो इस दौरान होता क्या है, बताया जाता है कि इस हलचल के कारण वर्तमान
उत्तरी अमेरिका के वर्तमान महान झीलों के चारों ओर। कौन कौन महान झीलें, कौन कौन सी महान झीलें, ग्लोब पकड़ा ना, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ऑन्टारियो और ईरी, इनको पांच महान झीलों के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान जो महान झील है, उस समय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के कारण इसके चारों ओर पर्वतों का निर्माण हुआ। अलगोमन पर्वत, अलगोमन माउंटेन, किलार्नियन या चर्नियन माउंटेन और लॉरेशिया माउंटेन। इसमें से अलगोमन और चर्नियन या किलार्नियन भी बोलते हैं उसे, वो पूर्णतः समाप्त हो गए। कैसे समाप्त हुए? डिन्यूडेशन प्रोसेस के कारण, अनाच्छादन प्रक्रियाओं के कारण कट छट गए और समाप्त हो गए। लेकिन लॉरेशिया आज भी पठार के रूप में है। इन पर्वतों के नाम पर ही, इन पर्वतों के नाम पर इसका नामकरण कर लिया गया, अलगोमन और चर्नियन ओरोजिनेसिस। इसी दौरान जो स्कॉटलैंड है अपना यूरोप का, उसमें उच्च भूमियों का भी निर्माण हुआ, उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि का नाम दिया जाता है। और स्कैंडिनेविया से पहले नॉर्वे का पर्वत, वहां उसी के आसपास फेनो स्कैंडिनेवियन पर्वत का भी निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब कि ये प्री कैम्ब्रियन हलचल के दौरान, अब हलचल चल रही है, परिवर्तनशीलता हो रही है। अब इस दौरान जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन चल रहे हैं, धीरे धीरे जैविक परिवर्तन में परिवर्तित हुए। और इसके पूर्वार्ध से पहले ही, यानी आधा से पहले ही महासागर, तत्कालीन महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हो गई, जीवन की उत्पत्ति हो गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि आज से लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व तो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और वो पृथ्वी भौतिक रासायनिक जैविक महाक्रांति से गुजरती है। और जब जैविक महाक्रांति संपादित हुई, तो आज से 3.6 अरब वर्ष पूर्व प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, कहां पर? महासागरों में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बताया भी था, जिनका छोटा भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जब इक्रोपिटल आर्डर लेंगे, तो उस जीव का नाम, जो रशियन वैज्ञानिक थे ओपरी महोदय ने नाम रखा कोई सर्वेक्स, प्रथम जीव। अब उनका विकास क्रम चला, विकास क्रम चला तो महासागरों में जो पादप आया, कहने का मतलब जो फ्लोरा आया, जिसको पादप बोलते हैं, वो आई एल्गी। एल्गी बोले तो शैवाल, आज भी है, एक कोशिकी से बहुकोशिकी, और धीरे धीरे जंतु आ गए। जंतुओं में जो एक कोशिकीय जीव थे, बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित होते गए, और धीरे धीरे मल्टी सेलुलर के साथ मल्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। और लगभग ये मान लो कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कार्डेट्स हैं, जिसमें सामान्य भाषा में दे लैक्स बोन सिस्टम, उनमें बोन नहीं है, हड्डियां नहीं, उनका सबका विकास हुआ कैसे? प्रोटोजोवंस आ गए, अभी ओरिफेरियंस आ गए, सिलेंडरेट्स आ गए, प्लेटीहेलमेंथीज आ गया, एस्केलमेंथीज आ गया, एनिलिड्स आ गए, आर्थोपोड्स आ गए, मोलस्क आ गए, और इकाइनोडर्मेट्स आ गए। ये ऐसे जीवों का समूह है जिनमें हड्डियां नहीं होती, यानी अकशेरुकियों का अभी कहां पर? सागर के अंदर, अर्थात जल के अंदर ही जीव है, उनका विकास हो चुका है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये हलचल हुई और ये प्रक्रियाएं चली। तो ये विकास का एक क्रम है। तो प्री कैम्ब्रियन ओरोजिनेसिस हुई, फिर अलगोमन, और उसी को नाम क्या दिया गया? अलगोमन ओरोजिनेसिस, फिर चर्नियन ओरोजिनेसिस, फिर इसके बाद हमने क्या लिया, विकास का क्रम कैसे चला। तो जीव जंतु आ गए, तो शैवाल आया, और जीवों में सभी के लगभग जो फंडामेंटल इनवर्टिब्रेट्स थे, क्या थे? इनवर्टिब्रेट्स से वो उत्पन्न हो गए, जिसको हम क्या बोलेंगे? अकशेरुकी। ये विकसित हो चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा
महाकल्प शुरू होता है जिसको नाम हम देंगे पैलियोजोइक महाकल्प। अब इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखना 3.41 बिलियन ईयर्स यानी आज से 59 करोड़ वर्ष तक ये जारी था। ये हलचले हुई और क्या क्या विकसित हुआ, तो सारे पर्वत जो नाम ले लिया महान झील के आसपास जो उस समय विकसित हुए, लॉरेशिया, अलगोमन, चर्नियन और स्कॉटलैंड की उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि और जीवों में ये आ गए जो विकास का क्रम हम आगे लेकर चलेंगे। तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे पैलियोजोइक महाकल्प का। पैलियोजोइक महाकल्प क्या नाम लेंगे, पैलियोजोइक महाकल्प। दूसरा, ये दूसरा महाकल्प है, नाम पैलियोजोइक इरा। इसका जो टाइम पीरियड हम निर्धारित करेंगे जो भूवैज्ञानिकों ने बताया 34.2 करोड़ ईयर्स। 34.2 करोड़ ईयर्स। अब देखो इस इरा में क्या हुआ कि काफी जैविक परिवर्तन देखे गए, इसलिए इस परिवर्तनशीलता को देखते हुए इस इरा को पीरियड में डिवाइड किया गया, जैसे अभी मैंने करवाया था, डिवाइड करवा दिया गया। तो इसमें किस प्रकार का डिवीजन, इसका नंबर हम देखेंगे। तो क्रम क्या है, तो क्रम पहले भी हमने देखा, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, यानी 1 2 3। इसका नियम है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक, प्राकृतिक नियम 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें क्या करना है, उनके नाम को देखना है। तो पहला आएगा कैम्ब्रियन, समझ में आया, पहले नाम आ चुका कैम्ब्रियन। अब इनमें क्या क्या परिवर्तन होगा यहीं पर आपको मैं नोट कर दूंगा। इसके बाद ऑर्डोविशियन, इसके बाद सिलोरियन, देन डेवोनियन, देन कार्बोनी फेरस, इसके बाद परमियन। तो जो इंट्रोडक्शन था जियोलॉजिकल टाइम स्केल का उसको आपने देख लिया और प्री कैम्ब्रियन तक कर लिया, इस पर चर्चा जो है हम दूसरी क्लास में करेंगे, ठीक, दूसरी क्लास में इसकी चर्चा हम करेंगे, काफी डिटेल करेंगे, ओके। बाकी थोड़ा रिवीजन कर लें, अभी दूसरी क्लास जब होगी तो